स्पॉयलेज है जब फूड ख़राब होता है तो उसको हमें प्रिजर्व करने का तरीका भी आना चाहिए ताकि स्पॉयलेज की प्रोसेस जो है कम से कम हो तो फूड स्पॉयलेज हमने पढ़ा था कि स्पॉयलेज जो होते हैं वो कई सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं माइक्रोबियल उसमें हो जाता उसकी है उसकी हैं इसके अलावा जो है आपका एंजाइमेटिक फूड का खुद का एंजाइमेटिक एक्शन जो होता है वो फूड को स्पॉयलेज क्रिएट करने में मदद कर, वो करता है तो बहुत सारे स्पॉयलेस के फैक्टर थे फिजिकल फैक्टर केमिकल फैक्टर खुद का उनका फूड कंपोजिशन और माइक्रोबियल तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था माइक्रोबियल था तो उसके कॉजेस हमने पढ़े थे और उसके सिम्टम्स भी जो पढ़े थे कि किस वजह से क्या होता है जो पुराना पड़ा था लेकिन फूड को प्रिजर्व करने के भी तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो उसमें है बेसिक यदि हम प्रिंसिपल की बात करें कि, कि किसी भी फूड सब्सटेंस को हमें प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है संरक्षित करने की तो उसके तीन बेसिक प्रिंसिपल होते हैं पहला होता है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन किसी भी फूड को हमें सुरक्षित रखने का जो पहला हमारा उद्देश्य होता है उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं उद्देश्य वर्ड न बोलकर हम प्रिंसिपल बोलेंगे कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से बचने के लिए उसको रोकने के लिए या डिले करने के लिए हमें प्रिजर्वेशन करना पड़ता है सेकेंड पॉइंट प्रिजर्वेशन और डिले द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड जो फूड के अंदर का खुद का मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होता है उसके एक्शन से भी फूड खराब होता है या उसका खुद का कंपोजिशन उसको खराब करता है तो उसको डिले करने के लिए या उसको रोकने के लिए प्रिजर्वेशन जरूरी होता है तीसरा जो प्रिंसिपल होता है इंपॉर्टेंट कि प्रिवेंट डैमेज कॉज बाई इंसेक्ट्स एनिमल्स एंड मैकेनिकल तो जो फूड के दौरान हम जो भी मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको उसकी वजह से जो फूड का डैमेज होता है या इंसेक्ट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा जो फूड का डैमेज होता है तो इन सभी चीजों से बचने के लिए जो है हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन जो है आपके तीन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है पहला है प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डी प्रिवेंशन और डिले द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाई इंसेक्ट्स एनिमल्स एंड मैकेनिकल एक्सेट्रा एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कर् टू फूड प्रिजर्वेशन तो यदि हम माइक्रोबियल ग्रोथ के एप्लीकेशन को देखें फूड प्रिजर्वेशन के दौरान तो माइक्रोबियल दौरानिजम्स आर किल्ड एंड रिकामिनेशन इज प्रिवेंटेड बाय पहला है प्रोडिक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉयलेस एंड कॉलोनी एट एनी कोर्स कंट्रोल एट एनी कोर्स एग्जाम्पल ग्रोथ रेट लैक टाइम और जनरेशन टाइप जैसे कि हमें मैंने आपको उस समय भी माइक्रोबियल ग्रोथ में आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेजम्स की जो ग्रोथ होती है जब किसी भी कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं या फूड सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं तो उनकी चार ग्रोथ फेज होती है लैक फेज लॉक फेज स्टेशनरी फेज और द्लाइन फेज तो हमारा जो मेन प्रिजर्वेशन का मकसद होता है कि जो भी स्पॉइल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब फूड सब्सटेंस पर वो ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी जनरेशन फेज होती, होती है उनकी लॉक फेज होती है लेक फेज होती है इनकी रिकॉग्निशन फेज होती है एनवायरमेंट को पहचानने की फेज होती है और उसके बाद धीरे धीरे जब न्यूट्रंट्स की कमी होती है तो वो स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज पे जाते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होता है कि फूड का जो माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन जो फूड का होता है उसको रोकना होता है ताकि उसमें जो स्पॉइल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल्ड हो जाए और उनसे दोबारा रिकंटामिनेशन मतलब दोबारा फिर से वो फूड को स्पॉइल ना कर सके तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कंट्रोल ऑफ एनी कोर्स उसकी जो भी जो उसका ग्रोथ रेट है या लैक टाइम है या जनरेशन टाइम है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है सेकेंड हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो बाय बायरली स्टॉपिंग द मल्टीप्लीकेशन डज नॉट नेसेसरली प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी द वायबल ऑर्गेनिजम्स आर देयर एंजाइम्स में कंटिन्यू टू बी एक्टिंग एक्टिव तो इसके अलावा जो हमारा जो होता है माइक्रो ऑर्गनिज्म की ग्रोथ को यदि हम ये सोचे कि मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर दें तो माइक्रो ऑर्गनिज्म की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं होता है डिकम्पोजिशन इससे प्रिवेंट नहीं होता है क्योंकि कई बार ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन स्टॉप होने के बाद भी जो उनके द्वारा प्रोड्यूस एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं वो एक्टिव रहते हैं और फूड को डिकम्पोजिशन कर सकते हैं तो प्रिजर्वेशन करने के लिए हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है कि कंप्लीटली हम स्पॉइल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करें किल करें तो यदि हम मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की बात करें तो मैथ इसका जो फूड प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड्स हैं पहला है asapsis. Asapsis का मतलब होता है कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना दूसरा रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना तीसरा मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में नहीं ग्रो कर सकते हैं तो उनको मेंटेन करना

और इेडिएशन irradi, इेडिएशन मतलब जो आपका आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसके मदद मतलब से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं तो ये सारे मेथड हैं इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे तो जो पहला मेथड है ए सैप्सिस का जो एक कॉमन जो इसका मीनिंग होता है रिम कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना तो पहला जो होता है नेचुरल प्रोडक्शन जैसा कि हमें पता है कि आउटर लेयर ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू प्रोटेक्ट द इनर लेयर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेजम्स एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग विल डिले या प्रिवेंट माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन तो जैसा कि नेचुरल यदि हम बात करें तो ए सेप्सिस कंडीशन गॉड ने ही सब बना के रखी है कि जो उनकी ऊपरी लेयर होती है वो आंतरिक लेयर को माइक्रो ऑर्गनिजम से क्या रखती है फ्री रखती है और वो इस प्रकार से माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होने को थोड़ा सा प्रिवेंट करती है डिले करती है जो अपर लेयर होती है जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें जो भी हम नट्स खाते हैं जैसे मूंगफली है मूंगफली का छिलका है तो वो उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज होने से रोकेगा उस पर माइक्रो ऑर्गनिज्म जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हार्ड कवरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर है या जैसे अखरोट है या जो भी आपके नट्स होते हैं उनकी जो शेल होते हैं वो होते हैं जितनी भी फ्रूट्स होती है उनकी स्किन और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनकी स्किन तो कुछ तो नेचुरली ही Uh, जो है उनके अंदर प्रोटेक्टिंग कवरिंग आवर पा, लेयर पाई जाती है जो कि इनर टिश्यू को डैमेज होने से बचाती है किसके द्वारा माइक्रो ऑर्गनिज्म से दूसरा है पैकेजिंग ऑफ फूड एसेप्सिस कंडीशन यहां पर हमको वो चीजें लिखनी पड़ेंगी कि एसेप्सिस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं पैकेजिंग ऑफ फूड जैसे कि हमें किसी फूड को ए, इस प्रिजर्व करना है तो उसको यदि हम उसकी अच्छी तरह से रैपिंग कर दें है ना सच रैपिंग एंड हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर या हम ऐसा कंटेनर में उसको रखें कि उसमें बिल्कुल वैक्यूम हो कोई भी हवा ना हो और दिस मैथड विल प्रिवेंट प्राइमरली कंटेमिनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग तो इस मेथड के द्वारा जब हम किसी फूड प्रोडक्ट uh, की हैंडलिंग प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी हैंडलिंग के दौरान ये सब प्रोसीजर्स uh, को हम फॉलो करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं पैकेजिंग करके उसके बाद सैनिटरी मेथड तो सैनिटरी मेथड जो होते हैं कि स्वच्छता हमको अपनाना चाहिए तो सैनिटरी मेथड ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग फूड जब हम किसी भी फूड की हैंडलिंग करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें स्वच्छता का हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए इन द डेयरी इंडस्ट्रीज कंटामिनेशन विद माइक्रो ऑर्गनिजम्स इट अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल इन द प्रोडक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ मिल्क तो इस प्रकार हम इस एप्टिक कंडीशन को मेंटेन करके हम जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज में ये ध्यान रखते हैं कि मिल्क के प्रोडक्शन और उसके हैंडलिंग के समय कंटामिनेशन कम से कम हो फूड इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि अटेंशन इज गिविंग टू प्रिवेंशन ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट कंसर्निंग द बायो बर्डन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑन और इन फूड फूड इंडस्ट्रीज में भी हम इस कंडीशन को मेंटेन कर कर हम कंटामिनेशन को रोक सकते हैं जब हम कच्चे पदार्थ से आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बर्डन होता है उसको हम कम कर सकते हैं तो ये जो बायो वर्डन वर्ड लिखा है इसमें उसका इसमें आप देख रहे हो बायो वर्डन का है काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गनिजम्स प्रेजेंट वेदर एनी स्पॉय और पैथोजेनिक माइक्रो बायो बायोबर्डन हम किसको कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेजम्स का जो प्रकार होता है एक प्रकार का टाइप्स होता है जो कि स्पॉइल करने वाले या पैथोजेनिक माइक्रो पैथोजे होते हैं नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं और इनको डिफिकल्ट टू प्रिजर्व करना डिफिकल्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इंडस्ट्रीज में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बायो बर्डन वर्ड ठीक है ना इसका मतलब है कि टू मेजर द टोटल नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स ऑन अ फूड इट्स फाइनल बिफोर यूज तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई कितना इसमें हो सकता है तो उसका करने के पूर्व की ये जो होती है मेजरमेंट होता है किसी भी माइक्रोबियल लोड को जानने के लिए तो ये पहला जो प्रोसेस था आपका एसेप्सिस तो एसेप्सिस का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना मतलब एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना किसी भी फूड इंडस्ट्रीज में रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गनिजम्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गनिजम्स को देखिए कीपिंग आउट एस एप्सिस को आप बोलोगे कि उसमें भी हम माइक्रो ऑर्गे को दूर रख रहे हैं कीपिंग आउट का मतलब है कि माइक्रो को फूड के पास आने ही मत देना है हमें लेकिन कई बार क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में आ जाते हैं आने के बाद जब हम उनको हटाते हैं तब वहां पर हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे रिमूवल ठीक है ना समझ में आ रहा है ना तो रिमूवल जो वर्ड किया जाता yes, है हाँ तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं कीपिंग ऑर्डर होगा कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड के पास फटकने ही नहीं देना है लेकिन अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में आ गए हैं यदि फूड सब्सटेंसेस में तो फिर उसके लिए हम के लिए हम रिमूवल के कई सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उसमें पहला है आपका फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन जैसा आपको मालूम है हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं छानना तो द ओनली सक्सेसफुल मैथड फॉर कंप्लीट रिमूवल यूजिंग अ प्री स्टरलाइज फिल्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टरलाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रोसेस पड़ी स्टरलाइजेशन फिल्ट्रेशन उसमें बताया था कि बैक्टीरिया को छानने के लिए बहुत स्पेशल एक फिल्टर का यूज किया जाता है जिसको मेम्ब्रेन फिल्टर बोलते हैं या सीव्स फिल्टर बोला जाता है इस फिल्टर में स्पेसिफिक टाइप की छन्नी लगाई जाती है सीव्स लगाई जाती है जिनका पोर्स इतना माइन्यूट होता है माइक्रॉन साइज का होता है कि इसमें बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं हो पाते हैं तो जितने भी जो लिक्विड फूड आइटम्स होते हैं लाइक फ्रूट जूसेस होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या वाटर होते हैं तो उनको उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर करने का ये भी बहुत सक्सेसफुल मेथड तो नहीं है इसमें लिखा है ऑनली सक्सेसफुल मैथड लेकिन बहुत लेकिन यह एक एक स्टेप्स होता है आपका माइक्रो ऑर्गनिजम्स को रिमूव करने का फिल्ट्रेशन इसके अलावा सेंट्रिफिकेशन सेंट्रिफिकेशन आपको मालूम ही है कि कोई भी सस्पेंडेड जो किसी भी लिक्विड मटेरियल में कोई भी सस्पेंडेड आपके कंटेमिनेट यदि हैवी पार्टिकल्स मौजूद है तो उनको हम सेंट्रिफ्यूज मशीन में चलाकर हम क्या कर सकते हैं कि उनको बॉटम में सेटल कराकर उनको और जो क्लियर लिक्विड जो है आपका उसको हम आइसोलेट कर सकते मतलब आ, हटा निकाल सकते हैं उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर कर सकते हैं सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा तो ये जो प्रोसेस है ज्यादातर आपके जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह से बैक्टीरिया मिल्क में से बैक्टीरिया जो हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं उनको भी हटाने के लिए सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है तो ये भी नॉट वेरी इफेक्टिव पहले ही इसमें लाइन में लिखा है कि बहुत ज्यादा प्रभावशील मेथड नहीं होता है आ, लेकिन फिर भी इसको यूज कर सकते हैं आ, आपके प्रिलिमिनरी उसके रूप में उसके बाद है वॉशिंग वॉशिंग आपको पता ही है धोना तो स्पेशली हेल्पफुल इन रिमूविंग सॉइल माइक्रो ऑर्गनिजम्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट मे बी रेजिस्टेंट टू हीट प्रोसेस ड्यूरिंग कैनिंग तो कहने का मतलब जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन में जो भी सॉइल लगी रहती है कंटेमिनेट्स होता है तो उसको हम अच्छी तरह से किसी भी फूड प्रोडक्ट को यूज करने से पहले रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से वॉश करके उसका इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक हम माइक्रो ऑर्गनिज्म को रिमूव कर सकते हैं उनकी सरफेस से और ट्रिमिंग जो होता है ट्रिमिंग करने से भी हम ट्रिमिंग मतलब होता है कटिंग करना तो जैसे घर में भी हम लोग देखो सब्जी और कुछ काटते हैं तो जो खराब पोर्शन होता है तो उसको हम कट करके अलग कर देते हैं तो ट्रिमिंग एक प्रोसेस भी माइक्रो ऑर्गनिजम्स को दूर करने का एक तरीका होता है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गनिजम्स के ये सारे प्रोसेस हो गए उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ एनरोबिक कंडीशन तो एनोरोबिक कंडीशन आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो एनोरोबिक कंडीशन कैन बी अचीव्ड बाय अ कंप्लीट फिल रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय सीओ टू और नाइट्रोजन एंड अदर तो एनोरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमें जरूरी है कि ऑक्सीजन को एकदम हटाना तो उसके लिए जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन या अदर से इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वहां पर गैसेस में स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड मे सर्वाइव इन कैंड फूड बट दे अनेबल टू जर्मिनेट इन द ऑफ ऑक्सीजन कैंड फूड जो होता है डिब्बा बंद भोजन होता है तो जब हम डिब्बा बंद आप लोगों को जो भी प्रोसीजर भी बताएंगे कैनिंग प्रोसीजर में क्या होता है ना कि हम भोजन को तैयार करके डिब्बे में प्रिपेयर करते हैं और उसमें वैक्यूम करके पूरा निकाल देते हैं लेकिन यदि हैंडलिंग के दौरान जरा थोड़ा बहुत भी मिस हैंडलिंग हो गई और वैक्यूम क्रिएट करने में भी गड़बड़ी हो गई और थोड़ी बहुत भी हवा जो है वो एयर जो है ऑक्सीजन यदि डिब्बे में मौजूद रह गई तो उसमें जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो बहुत जल्दी सर्वाइव करते हैं यदि उनमें ऑक्सीजन रहे एरोबिक कंडीशन में तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कैंड फूड का जब हम उसको प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करें जो उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें कहीं भी मिस मतलब केयरलेस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए तो एरो एनरोबिक कंडीशन को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए तो यदि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो जो भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं जो खास तौर से एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए इसको बोला गया है मेंटेनेंस ऑफ एनरोबिक कंडीशन इसीलिए जितने भी पैक्ड फूड आते हैं आप देखिएगा कि वो उसमें वो एयर नहीं होती है फिर है यूज ऑफ हाई टेम्परेचर अब हाई टेम्परेचर तो हमें पता ही है कि हम स्टलाइजेशन मेथड में हमने पढ़ा ही है कि यूज ऑफ हाई टेम्परेचर जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर घटाने के लिए या उनके मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेलाइजेशन में आपने पढ़ा ही है और टेम्परेचर भी जो होते हैं आपके जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं एक तो बिलो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होगा और एग्जैक्ट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होगा या हंड्रेड हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा ठीक है ना तो ये हीट प्रोसेसिंग जो है टेम्परेचर एंड टाइम यूज इन हीट प्रोसेसिंग विल डिपेंड ऑन अच्छा जब भी हम टेम्परेचर का यूज करते हैं हाई टेम्परेचर का तो टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि या बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज करेंगे तो टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और यदि ज्यादा टेम्परेचर यूज करते कम टेम्परेचर यूज करते हैं तो टाइम जो होता है थोड़ा ज्यादा रखते हैं तो ये जो होता है हीट ट्रीटमेंट जो होता है ये ज्यादातर एम्प्लॉय किया जाता है तो ज्यादातर यदि डेयरी इंडस्ट्रीज की बात करें या और भी इंडस्ट्रीज उसमें पास्चुराइजेशन मैथड को फॉलो किया जाता है और पास्चुराइजेशन भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं जिसको लुइस पास्चर ने सबसे पहले बताया था और इसमें जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यूज किया जाता है तो जैसा कि दिया है हीट ट्रीटमेंट डेथ किल मोस्ट बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट होता है जिसमें ये मॉइस्ट हीट ट्रीटमेंट होता है यदि आपने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हीट दो तरीके की होती है ड्राई हीट होती है एक हीट हीट जिसमें कि हम मतलब जो वेपर युक्त हीट होती है उसको मॉइस्ट हीट बोलते हैं हम तो इसमें जो है सभी माइक्रो ऑर्गनिज्म किल नहीं होते हैं लेकिन मोस्टली इसमें किल हो जाते हैं तो इसमें भी मैंने आपको यदि याद है पॉइराइजेशन के दो मेथड थे एक हाई टेम्परेचर जो है शॉर्ट टाइम और या लॉन्ग टेम्परेचर अरे शॉर्ट टाइम और सॉरी टेम्परेचर ज्यादा तो टाइम कम और टाइम ज्यादा तो टेम्परेचर कम ठीक है ना एस टी एस टी और एच टी एस टी मेथड उसको बोलते हैं तो इसमें मिल्क के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं सिक्सटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूज करते हैं थर्टी मिनट्स के लिए और उसको तुरंत फिर ठंडा करते हैं इसमें क्या किया जाता है कि पॉस्चुराइजेशन मेथड में जिस वेसल्स में जो भी मिल्क डेयरी इंडस्ट्रीज में इसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है तो उसमें दूध को इतने टेम्परेचर पर तीस मिनट के लिए हम सिक्सटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और उसके चारों तरफ वाटर जैकेट्स लगी रहती है उसके बाद फिर तुरंत इसको ठंडा करते हैं तो हमें बॉईल नहीं करना रहता है दूध को और ना ही उबालना रहता है हमें सिर्फ उसको इतना गर्म करके तुरंत ठंडा करने से क्या होता है कि मिल्क में मौजूद जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और यदि हम ज़्यादा देर तक गर्म रखते हैं तुरंत ठंडा नहीं करेंगे तो उसके अंदर मौजूद एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो सकता है और मिल्क को वहीं ख़राब कर सकता है इसलिए इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से करना पड़ता है और यदि थोड़ा हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम सेवेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो टाइम कम हो जाएगा फिफ्टीन मिनट हो जाएगा लेकिन फ्रूट जूस को पास्चुराइज करना रहता है तो उसके लिए सेवेंटी सेवन डिग्री टेम्परेचर और थर्टी मिनट्स के लिए करते हैं और एटी एट डिग्री सेंटीग्रेड यदि एस्सी से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही हम सेकंड का यूज करते हैं थर्टी सेकंड या टू सेकेंड्स या थ्री सेकंड या फोर सेकंड बस इतना ही यूज करते हैं द पास्राइजेशन प्रोडक्ट आर कूल्ड प्रॉम्प्ट आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट जैसे बोला है कि इसमें जैसे ही हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बाद उसको तुरंत हमें क्या करना पड़ता है ठंडा करना पड़ता है इज इंपॉर्टेंट पासुराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट विल नॉट हार्म द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है मेन स्पॉइलेज माइक्रोब्स आर नॉट वेरी हीट रेजिस्टेंस जितने भी जो स्पॉइल्ड करने वाले जो मुख्यतः ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज्यादातर फंजाई होती है और बैक्टीरिया थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होते हैं फंजाई जो होती है रूम टेम्परेचर पे सबसे जल्दी ग्रो कर जाती है भोजन को खराब करती है तो ये ईस्ट वगैरह थोड़ा से ही टेम्परेचर देने पर ये किल हो जाते हैं तो वो इसका फायदा होता है कि जो स्कॉलेज ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पास्चुराइजेशन में किल हो जाते हैं पैथोजन किल हो जाते हैं एनी सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी ट्रीटेड विद अदर प्रिजर्वेटिव मैथड्स इसके अलावा और भी जो सर्वाइविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रिजर्वेटिव मैथड्स के द्वारा किल हो सकते हैं

पास्चुराइजेशन के अलावा हम और भी उसमें हम क्या कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव मैथड यूज टू सप्लीमेंट पास्चुराइजेशन इसके अलावा हम रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय पैकेजिंग मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन एडिशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड प्रेजेंस ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव तो इस तरह अन्य मैथड्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं यदि हमें पास्चुराइजेशन नहीं तो उसके सप्लीमेंट में ये सारी चीजें भी मैथड कर सकते हैं लेकिन इनको भी हम आगे पढ़ेंगे अब हीटिंग एट अबाउट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें अब हमको यदि हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटिंग करना है तो सफिशियंट टू किल ऑल माइक्रोव्स बट नॉट स्पोर्ट्स हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर माइक्रोव तो किल कर लेता लेकिन है लेकिन स्पोर्ट्स किल नहीं होते हैं मैनी एसिड फूड्स आर सक्सेसफुली प्रिजर्व एट हंड्रेड बहुत सारे जो खट्टे जो एसिडिक फूड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर्स के होते हैं उनको हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं इसमें मेथड हम क्या कर सकते हैं बॉइल्ड इमर्शन बेकिंग सिमरिंग एंड रोस्टिंग तो फॉलो कर सकते हैं और हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से यदि ऊपर फॉलो करना है स्टीम अंडर प्रेशर जो हो जाएगा वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस आ जाता है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो आ, हम लोग ऑटो क्लेब में क्या कर सकते हैं वन ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ट्वेंटी मिनट्स पर हम इसको किसी भी चीज को करना है तो ऑटोक्लेविंग के द्वारा भी स्टेलाइज कर सकते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से फूड हम यूज करेंगे लेकिन यदि हम ऑटोक्लेविंग के द्वारा यदि करते हैं किसी फूड सब्सटेंस को तो फिर तो उसमें कोई भी माइक्रोब्स बसता नहीं है किल हो जाता है उसके बाद जो फूड प्रिजर्वेशन की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है आपकी कैनिंग प्रोसेस कैनिंग प्रोसेस माने डिब्बा बंद प्रोसेस इस प्रोसेस को सबसे पहले निकोलस अपार्ट ने इसको चालू किया था और इसीलिए फादर ऑफ कैनिंग जो होता है वो निकोलस अपार्ट को बोला जाता है और स्प्लैनजे ने भी इस प्रोसेस को बताया था पहले जब वर्ल्ड वॉर में फ्रेंच के में क्या होता भोजन की कमी हो गई थी तो जो आपके सैनिक थे उनको भोजन पैक करके दिया जाने लगा तो उनको पहले कांच की जार का यूज किया जाता था भोजन पैक करने के लिए लेकिन बदलते मॉडर्न युग के साथ फिर उसका जो है कांच की जार की जगह टिन कैन का यूज किया जाता है टिन कैन आपने देखा होगा बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं टिन कैन में बंद होते हैं

फल है पैक कर रहा है फिर उसको हमने तोड़ा उसको हार्वेस्ट किया फिर उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा उस जगह पहुंचाया फिर क्या होता है कि जब वो फैक्ट्री में आता है तो कोई फल है जैसे आम मान लो हम मैंगोस uh, जूस है तो उसकी फल को काटा जाएगा उसको ग्राइंडिंग की जाएगी उसको वॉश किया जाएगा अच्छी तरह से धुला जाएगा फिर उसको पीलिंग की जाएगी पीलिंग करने के बाद फिर उसको उसकी स्लाइसेस की जाएगी स्लाइसेस करने के बाद ब्लांचिंग की जाएगी ब्लांचिंग मैंने आपको बताया था कि बिलो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कुछ देर फूड uh, प्रोडक्ट को डुबो कर, फिर तुरंत ठंडा पानी में डाल देते हैं जिससे कि उसकी जो एंजाइम्स की जो uh, उसका जो कलर है टेक्स्चर है वो सारा फिक्स हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी जो होती है वो होती है तो ये ये सारे प्रोसेस हैं कैनिंग प्रोसीजर कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप से डायग्राम से समझाया है ब्लंचिंग करने के बाद हम क्या करते हैं स्टिन का कंटेनर लेते हैं उसमें फिलिंग करते हैं फिलिंग करने के बाद जो है हम ये उसका वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर की सारी हवा निकाल के फिर उसको सील्ड कर देते हैं पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद फिर उसको कुकिंग थोड़ा सा उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको गर्म किया जाता है पास्राइज करने वाला ही मेथड फॉलो किया जाता है और पास्चुराइज करने के बाद हम उसको फिर तुरंत ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद फिर हम उसको स्टोरेज कर देते हैं और फिर उसकी लेबलिंग करके फिर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है मार्केट में बेचने के लिए तो ये पूरा जो है ये कैनिंग इंडस्ट्रीज में ये डिब्बा बंद बन भोजन बनाने की ये प्रोसेस है डायग्राम के द्वारा अब लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि जब हम इतने सारे प्रोसेस चाहे मैकेनिकली करें या मैनुअली करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसहेंडलिंग या थोड़ी बहुत भी यदि केयरलेस जो कोई भी चीज़ हो जाती है तो तुरंत उसमें क्या होता है स्पॉइलेज हो जाता है तो यदि हम कैंड फूड की बात करें डिब्बा बंद भोजन की तो उसमें जो स्पॉइलेज uh, की जो सॉरी uh, जो uh, आपका जो होता है स्पॉइलेज वो तीन प्रकार से होता है एक तो होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज केमिकल स्पॉइलेज एंड जाएमेटिक स्पॉयलेस इन जनरल माइक्रोबियल कैन अकर ड्यू टू अंडर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जैसा कि माइक्रोबियल तो यह हो सकता है कि हमने जब प्रोसेसिंग करते हैं ये जो स्टेप्स जो फॉलो करते हैं इस स्टेप्स के दौरान हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाए या लीकेज हो जाए जो टिन कैन होता है उसमें कहीं लीकेज हो जाए तो उसकी वजह से हो जाता है टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज इन कैन फूड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गनिजम्स इन्वॉल्व ये चूंकि स्पॉयलेस का टॉपिक है लेकिन मेरे ख्याल से कैंट फूड का स्पॉयले मैंने आपको इसमें नहीं बताया था तो प्रिजर्वेशन करने का जो इसलिए बता रहे हैं कि जो हम कैनिंग करते हैं डिब्बा बंद तो उसमें ये करने बहुत जरूरी ध्यान दे, देने से कैनिंग प्रोसेस की जाती है नहीं तो नहीं भी यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो इसमें क्या होता है इस प्रकार से ये स्पॉयलेस हो जाता है तो स्पॉयलेस करने यदि हम माइक्रोबेल स्पॉयलेस की बात करें तो उसमें जो स्पॉयलेस करने वाले जो मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेजम्स होते हैं वो है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एंड स्पोर्स थर्मोफिलिक मतलब जो हाई टेंपरेचर पर भी ग्रो कर जाते हैं तो दीज बैक्टीरिया कैन कॉज थ्री टाइप ऑफ स्पॉयलेस, स्पेशली व्हेन कैनस आर केप्ट एट मोर देन 43 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैन को रखते हैं तो इसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और जो स्पोर फॉर्मिंग भी होते हैं तो ये तीन प्रकार का स्पॉइलेज कॉज करते हैं एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू इनसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के फ्लैट होता है इसका क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेजम कैन के अंदर ग्रो कर जाते हैं और इसका जो डब आपने कभी टिन कैन कोई फूड देखा है आपने कैंड फूड आप लोगों ने देखा मैम कौन देखी है आपने मैं देखा होगा कि उसका ऊपर का अपर टॉप और बॉटम दोनों ही प्लेन होते हैं फ्लैट होते हैं तो जब कोई फूड तो जब कोई माइक्रो सेंटर कर जाता है तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है तो वो एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से सोरिंग सिम्टम्स हो जाता है और जो अंदर जो है गैस का भी प्रोडक्शन होता है जिससे कि जो अंदर का जो नीचे का जो बॉटम होता है वो अंदर की तरफ धस जाता है फ्लैट हो जाता है एकदम अंदर की तरफ चला जाता है तो ये भी शो करता है कि टिन के अंदर का रखा भोजन जैसे आप लोग कभी भी कैंड फूड लाते हो तो उसको कैसे पहचानोगे कि वो सही है कि स्पॉइल्ड है तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है तो वो स्पॉइल्ड माना जाता है तो ये और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो फूड होते हैं ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये जरा भी मिसहैंडलिंग होती है लीकेज होता है तो कैन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं सल्फाइड स्टिंगकर होता है सल्फाइड मतलब ये एस गैस का प्रोडक्शन कर देते हैं और एस टू एस गैस जो होती है आपको पता ही कितनी बदबूदार होती है तो एक उसकी स्मेल सी आती है डब्बे के भोजन से तो वो स्पॉय कहलाता है इसके अलावा जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो मीडियम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं ये तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम्स हैं जो कैन फूड के अंदर होते हैं फ्लैट सोर और सल्फाइड स्टिंगकर और थर्मोफिलिक एनोरो और जो मीजोफिलिक होते हैं वो दो स्पीशीज के बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं एक होता है क्लॉस्ट्रीडियम और एक होता है वेसिलस क्लॉस्ट्रीडियम का भी स्पीशीज है स्पोरोजिनस बैक्टीरिया के द्वारा टिन कैन में जो स्पॉयलिस कॉज होता है और एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग भी बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोस्पोर नहीं बनाते हैं या माइक्रोकोकस ये भी क्या करते हैं टिन कैन के अंदर एसिड और गैस का प्रोडक्शन कर देते हैं और जो मोल्ड और ईस्ट होते हैं ये इनको तो थोड़े से हीट से ये मर जाते हैं तो इस प्रकार जो है इन स्पॉयलेस को रोकने के लिए कैनिंग प्रोसीजर को ठीक से किया जाता लेकिन है लेकिन कैनिंग जो प्रोसीजर है वो भी हमारे फूड को प्रिजर्व करने का एक तरीका है क्योंकि जो डब्बा बंद भोजन होता है यदि सही कंडीशन में सब प्रॉपर तरीके से हुआ है तो आप देखो उसको लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो आजकल बहुत सारे फूड है जो टिन स्कैन में आते हैं आपने रसगुल्ला खाया होगा बंगाल का कोलकाता का बहुत सारे आपके जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है वो भी सब आ, इवन जो फ्रूट्स हैं आपके पाइन एप्पल वगैरह सब टिन कैन में पैक होते हैं जिसकी पूरी एक बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज है कैनिंग की फिर यूज ऑफ लो टेम्परेचर जो प्रिजर्वेशन का नेक्स्ट मेथड है लो टेम्परेचर तो हमें मालूम है घर में हम लोग आजकल सभी लोग घर सभी के घरों में इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटर में हम जानते ही हैं कि हम लो टेम्परेचर यूज करते हैं तो लो टेम्परेचर में क्या होता है बहुत से ऐसे जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया है या जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो लो टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे केवल साइक्रोफिलिक uh, बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकता है लेकिन साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया हर जगह नहीं मौजूद रहते हैं तो रेफ्रिजरेशन जो होता है ये हमारा लो टेम्परेचर में इसको फॉलो किया जाता है तो एक तो होता है चीलिंग टेम्परेचर जिसमें कि हम लोग उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं तो जो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो नॉर्मल टेम्परेचर यूज किया जाता है जीरो से फोर डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है या जीरो से सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड के बीच यूज किया जाता है ये आपका लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड पॉइजनिंग माइक्रो एक्सेप्ट द बोटुलिनम टाइप ई एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्होंने बोला है कि जो आपका छह डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वो जितने भी फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेजम्स की ग्रोथ को रोक सकता है केवल एक ही माइक्रो ऑर्गेजम्स की ग्रोथ को वो नहीं रोक पाता वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटोलिनम अभी आपको फूड बॉन्ड डिजीज बताएंगे उसमें ये बताएंगे के बारे में टाइप ई चीनिंग टेम्परेचर इज द मेन मेथड फॉर टेम्पररी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ठीक है ना साइक्रोट्रॉफ आर माइक्रो ऑर्गनिजम्स विच कैन ग्रो एट लो टेम्परेचर एग्जाम्पल फ्लेबो बैक्टीरियम स्पीसीज एंड स्यूडोमोनास एल्कलीज ये याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में भी पूछते हैं कि स्यूडोमोनास और इसकी कौन सी स्पीशीज साइक्रोट्रॉफ होती है तो एल्करीजन और फ्लेबी बैक्टीरियम ये लो टेम्परेचर पर भी ग्रो कर जाते हैं उसके बाद एक होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर तो फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉज रिडक्शन इन नंबर ऑफ वाइबल माइक्रो ऑर्गनेजम्स बट नॉट स्टलाइज द फूड द परसेंटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गनेजम्स किल्ड ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड स्टोरेज वेर डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ फ्रीजिंग तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फूड है और कितने किस कैसे हम फ्रीजिंग कर रहे हैं तो उससे हम हम बहुत फ्रीजिंग के द्वारा भी फूड को लॉन्ग समय तक लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं और इसके एडवांटेज ये होते हैं कि जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो क्या होता है क्रिस्टल फॉर्म स्मॉल आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और जिससे कि फूड का जो मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होता है वो कम होता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ सॉलिडिफिकेशन सडन डेथ टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड क्विक Of the और करने से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गनिजम्स का माइक्रो ऑर्गेम्स मौजूद है उनकी डेथ हो जाती है एंड फूड क्वालिटी आफ्टर थॉइंग बेटर और फूड क्वालिटी जो होती है वो पहले से क्या हो जाती है बेटर हो जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो है ड्राइंग एंड स्मोकिंग ड्राइंग जैसे होता है डेसिकेशन भी बोलते हैं इसको कि जिसमें हम किसी भी फूड प्रोडक्ट से यदि पानी की मात्रा को हम कम कर दें तो उससे फूड को सुखा कर जितने भी मसाले हैं आपने देखा है वो कम बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि उनको हम ड्राइंग करते हैं उनमें से सारा मॉइस्चर निकाल लेते हैं और उनको सुखा कर अच्छी तरह ड्राई करके तो ड्राइंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है क्योंकि ए डब्ल्यू जो होती है मैंने आपको ए डब्ल्यू के बारे में बताया था इंटरसिंग आपका जो है ये फैक्टर uh, होता है वाटर अवेलेबिलिटी एक्सटेंसिंग फैक्टर होता है इज बिटवीन बिटवी जीरो द स्पॉयर्स इज डिलेड यदि किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर वाटर एक्टिविटी इतनी है तो स्पॉयलेज होना जो हो जाएगा वो डिले हो जाएगा और पॉइंट सिक्स फाइव द स्पॉयलेज इज मोस्ट अनलाइकली टू अकर अप टू टू ईर्स और यदि किसी भी फूड प्रोडक्ट में पॉइंट सिक्स फाइव पानी मौजूद है इतना परसेंटेज तो वो दो साल तक वो जो फूड है वो खराब नहीं हो सकता है तो इन्होंने ये बताया कि कितने ए डब्ल्यू पर फूड जो है वो आ, प्रिजर्व रह सकता है मोल्ड एंड ईस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट स्पॉइलेस ड्राइड फूड सिंस बैक्टीरिया रिक्वायर हायर वाटर कंटेंट तो बहुत जो ईस्ट होती है वही जो होती है ईल्ड ईस्ट और मोल्ड वही ड्राइड फूड को कंटामिनेट कर सकती है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आए आ, लेकिन बैक्टीरिया इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो ए डब्ल्यू होता है वाटर एक्टिविटी वो थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है तो इन्होंने दिया है कि इसके लिए एस्परजिलस और ये इन्होंने मोल्ड के नाम बताए जो पॉइंट सिक्स फाइव ए डब्ल्यू पर भी ग्रो कर जाती हैं आप देखना कई बार मसाले भी बाहर चढ़ हल्का भी जैसे बारिश वारिश में आपने देखा बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाता है और ये मॉइस्चर पर इतनी जो मोल्ड होती हैं ये ग्रो कर जाती है एस्परजिलस ग्लॉकस एंड एस्ट्रप्टोमाइसिस रॉग्जी और ड्राइंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सन ड्राइंग आपका नेचुरल तरीका है और स्प्रे ड्राइंग जो होता है स्प्रे करके फ्री ड्राइंग और स्मोकिंग स्मोकिंग करना आपको पता है कि धुएं में जलाना उसको किसी को किसी चीज को किया जाता है उसको स्मोकिंग किया जाता है और ड्राइंग करने से पहले जो है हमको जो भी फूड प्रोडक्ट को ड्राई करना है उसको पहले अच्छी तरह से धोते हैं फिर उसको अल्कलाइन सोल्यूशन में डीप करते हैं फिर उसके बाद उसकी ब्लाचिंग की जाती है और ब्लाचिंग करने के बाद फिर ड्राइंग की जाती है तो जो ड्राइंग का जो तरीका कोई भी जो हम फूड प्रिजर्वेशन का मेथड फॉलो करेंगे उसके पहले हमें फूड का प्रिपरेशन अच्छी तरह करना पड़ता है ठीक है तो ये सारी जो प्रोसेस है आपकी ये ड्राइंग के द्वारा दिया है कि इफेक्ट ऑफ ड्राइंग अपॉन फूड तो फूड का जब हम ड्राइंग कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है एक तो ड्राइड फूड फ्रूड कंटेन फैट एंड ऑक्सीजन कैन कॉज ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी टू तो अकर ड्राइड फूड जो होते हैं वो फैट और ऑक्सीजन जो होते हैं वो जो मौजूद रहता है तो जो रेंसिडिटी जो प्रोसेस होती है वो आपकी कम हो जाती है अनडिजराबल प्रोडक्ट भी हट जाते हैं डेसिकेटेड फूड में और उसके अलावा ड्राइड फूड विच कंटेन रिड्यूसिंग शुगर कैन अंडर गो कलर चेंज कॉल्ड मिलाड रिएक्शन and carbonyl group of reducing sugar react with amino group of protein and amino acids followed by a series of complicated reaction. the uh, browning is undesirable because of the unnatural color and bitter taste imparted to the food and loss of vitamin C. discoloration toughest method of minimizing the chemical change in dried food. तो ये थोड़ा सा इतना डिटेल जाने की आपको जरूरत नहीं है कि इसमें केमिकल चेंजेस क्या-क्या होते हैं ड्राइड फूड में बस आपको ये कि ड्राइड करने से हम फूड को थोड़ा लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है आपका स्मोकिंग स्मोकिंग क्या होता है हीटिंग फूड यूजिंग स्मोक फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ वुड एंड प्रिजर्व जब हम बहुत सारी लकड़ी वकड़ी जलाकर आपने देखा भुनना जिसको हम लोग बोलते हैं घर घर में भी हम लोग आप लोग आजकल शकरकंदी खाते हो तो उसको आ, जो है लेकिन ये प्रोसेस स्मोकिंग नहीं कहलाती है स्मोकिंग जो होती है एक प्रॉपर प्रिजर्वेश प्रिजर्वेटिव प्रोसेस होती है जिसमें हम स्पेशल टाइप की वुड का यूज करते हैं लकड़ी का और उसके स्मोक में हम फूड को वो कराते हैं प्रोसेस कराते हैं तो वो जो स्मोक होती है वो सरफेस uh, माया जो उसके जो स्पॉयलेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने का काम करती है और जो लकड़ी होती है वो स्पेशल टाइप की वुड यूज की जाती है जिससे कि uh, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स निकलते हैं जैसे कि बहुत सी ऐसी वुड होती हैं uh, जैसे इट ऑल्सो हैज एन एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड लाइक फॉर्मल डिहाइड विच कैन इनिबिट द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फॉर्मोडीहाइड वगैरह गैस निकलती है तो या कुछ ऐसे और भी आपके वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं जिससे कि फूड में मौजूद जो भी आपके अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं जैसे कि दिस विल मेक द फूड टेस्ट बेटर एंड मोर टेंडर जैसे स्मोक्ड फिश फिश को जनरली लोग स्मोकिंग करके खाते हैं तो उससे एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म का लोड कम होता है दूसरा फूड का टेस्ट जो टेस्ट है और बेटर हो जाता है और बहुत वो और टेंडर मतलब मजबूत हो जाता है जूसी टाइप का हो जाता है तो वुड स्मोक इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट वेजिटेटिव सेल्स देन अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स तो ये जो होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है तो आज के लिए बस इतना ही उसके बाद जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे तो केमिकल प्रिजर्वेटिव जो है आपके बहुत सारे हैं और इसको फिर हम लोग कल पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही ठीक है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई यस मैम यस मैम बस आप लोग थोड़ा सा इसको थोरोली अपना बुक से भी पढ़िएगा तो एक इसमें पास के लिए जो टर्मिनोलॉजी है हीट के लिए बहुत सारे पूछते हैं वो टर्मिनोलॉजी वो चूंकि अब कहीं वहां रखी तो वो टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको बता दूंगी जेएमसी पूछता है ठीक है ओके मैम यस क्लास एंड लीव करते हैं थैंक यू मैम थैंक यू मैम